हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए बरसात का मौसम आ गया है तो हम लोग बना रहे हैं पकोड़े। तो आज हम बना रहे हैं चने की दाल से, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये पकोड़े, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप चने की दाल को अच्छे से भिगा दिया था 4 से 5 घंटे के लिए, तो बहुत अच्छी तरीके से ये फूल गई है। तो अब हम लोग इसको पीसेंगे, तो जितना कम पानी हो सके ना उतना कम पानी डाल के इसे पीस लीजिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिया है मैंने 1 बाउल भर के हरे प्याज, जिसका मैंने सफ़ेद वाला पोर्शन और पीछे की जो उसकी लीफ है वो दोनों का यूज़ किया है। और यहाँ पे लिए हरी धनिया, वो भी 1 बाउल भर के लिया हुआ है। यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्च है जिसे बारीक काट लिया है। मिर्च यहाँ पे आप कम या ज़्यादा खुद से कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बस अब हमने देखिए यहाँ पे चने की दाल को पीस लिया है और जितना कम हो सका मैंने उतना कम पानी डाल के इसे पीसा है। तो अब यहाँ पे हम मिर्च डाल देते हैं और जितनी चीज़ें हमने काट के रखी थी, हरे प्याज, धनिया, वो सारी चीज़ें मिला लेते हैं हम लोग इसमें। इसमें हरे प्याज का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही डिफरेंट और बहुत अच्छी बनती है ये पकौड़े। तो इसको बना के आप ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग मसालों में सिर्फ यहाँ पे हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। इसके अलावा अगर आपको लाल मिर्च और डालनी है पाउडर उसका तो आप डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हरी मिर्च मैंने 4 करीब डाल दी थी। अब इनको बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है, तो आप इसे चम्मच से मिला लीजिए, हाथों से मिला लीजिए, जैसे भी मिलाना हो, पर सारी चीज़ें जो हैं आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाए, नमक पूरे अच्छे से उसमें मिल जाए, हल्दी अच्छे से मिल जाए, ऐसा हमें मिला लेना है। तो ये देखिए हमारा जो इसका जो मिक्सचर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। दूसरी साइड मैंने कढ़ाई भी रख दी थी तेल वाली गर्म होने के लिए। अब देखिए तेल गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पे भजिया जो है इसमें डाल देंगे पकौड़े। तो थोड़े से ना थोड़े बड़े बड़े साइज़ के ही डालिए तो अच्छा लगता है, कि बहुत छोटे छोटे बनाओ तो अच्छा नहीं लगता है। या इसको आप दूसरा शेप भी ऐसा थोड़ा सा हाथों में चपटा करके फिर डालो, वैसा भी आप बना सकते हो। मैं ऐसे ही इसको थोड़ा सा हाथ में दबा दबा के और थोड़े से बड़े बड़े साइज़ के इसको डाल रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है और यहाँ पर जो गैस की फ्लेम है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मीडियम फ्लेम पर है, जिससे जो पकौड़े हैं वो अंदर से अच्छी तरीके से बिल्कुल पक जाएँ और क्रिस्पी हो जाएँ। तो अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर डाल दिया है, जब नीचे से एकदम अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे ये, तो हम इसको एक बार अच्छे से इसको पलट देंगे और दूसरे साइड से हम इसको पका लेंगे। तो जब तक दोनों साइड से अच्छी तरीके से इनमें कलर नहीं आ जाता है हमको, तब तक इसको पकाना है। तो दूसरे साइड से भी हम इसको बढ़िया तरीके से अच्छे से पका लेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए एक बार हम इसको और चला के देख लेते हैं। तो ये देखिए अभी बहुत बढ़िया सा कलर जो है हमारे पकौड़ों में आ चुका है, ऊपर से ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। तो चलिए इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से अपने बाकी का जितना भी मिक्सचर है उससे हम पकौड़े बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हमने सारे पकोड़े यहाँ पे बना लिए थे, कुछ मैंने इस तरीके से यहाँ पे प्लेट में निकाल लिए हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी पकोड़ा बनता है ये। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ तो आपको पता चलेगा ऊपर से एकदम क्रिस्प है, अंदर से नरम है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट होता है, बहुत कम मसालों से बना हुआ है, कुछ भी नहीं डला हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा यूनिक और टेस्टी है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।